मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे अपन लेसन नंबर 3 के न्यूमेरिकल, अर्थात विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, अपन ने क्या है, लेसन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसका कॉन्सेप्ट अपन ने अच्छी तरह क्लियर कर लिया है। आज अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, और जब मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें उसका साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि बेटा ये जो न्यूमेरिकल है वो आपके इस पोर्शन से लिया गया है, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो अपन क्या करते हैं, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर है अपना यस हाँ, तो बच्चों ये है अपना आंकिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है। एक वर्ग के कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम तथा माइनस 4 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, वर्ग के कोनों पे रखा हुआ है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, यदि वर्ग की भुजा कितनी है 0.9 मीटर लंबी है तो। कहाँ पे निकालना है, वर्ग के केंद्र पे निकालना है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इसका लेके समझाया था आप लोगों को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन नीट में भी आया करते थे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सॉल्यूशन देखिए, वर्ग ले लेते हैं अपन कोई भी वर्ग, और इस वर्ग के कोनों पर ले लेते हैं कौन कौन से, माइनस 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर प्लस के 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पर माइनस के 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर माइनस प्लस के 5 माइक्रोकूलम। ये सारे आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, वर्ग के कोनों पर रखा हुआ है। अपने को ज्ञात करना है वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो किस प्रकार से अपन करेंगे, देखिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यह आवेशों यानी कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि मैंने उस कॉन्सेप्ट में बताया था कि मान लीजिए खूब सारे आवेश किसी स्थान पर रखे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे ऐसे रखे हुए, एक यहाँ पर भी रखा हुआ है, और यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अपन प्रत्येक आवेश के कारण यहाँ विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, इस वाले आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण, इस प्रकार सभी आवेशों के कारण यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे और उसका क्या कर देंगे, एलजेब्रिक सम कर देंगे। ओके V4, इस प्रकार से अपन बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, और विद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, V=KQ/R। अर्थात अपने को किसके, यहाँ पर इसके कारण निकालूंगा मैं, इस माइनस 2 कूलाम के कारण। अगर मान लो यहाँ पे मैं विद्युत विभव निकालना चाहूँ तो मेरे को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उस दूरी की भी आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये वाली दूरियाँ ज्ञात करेंगे, ए से लेकर ओ तक की, बी से लेकर ओ तक की, सी से लेकर ओ तक की, और डी से लेकर ओ तक की, ये दूरी अपन ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, तो अपन जानते हैं वर्ग जो होता है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और जो इसका दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये वाली दूरी इक्वल है, ये वाली दूरी इक्वल है, तो ये वाली, ये सारी दूरियां क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर R, ये वाली AO BO CO DO ये सारी किसके इक्वल कर दी मैंने, R के इक्वल कर दी। अब R कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए इसकी भुजा कितनी है, A है, ये भी A है, और ये भी कितनी है, A है। तो ये अपन क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। ओके बच्चों, तो AD स्क्वायर कितना है, AD है अपना A, ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया, और फाइनली कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा 2A स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो AC इक्वल टू कितना आ गया, AC इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा एक का स्क्वायर है, वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2A बच जाएगा। अब देखिए AC इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 2A, और ये भी कितना है, BD के बराबर है,
क्योंकि दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ए सी बराबर बी डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अपने को चाहिए ए ओ, तो ए ओ क्या होगा, इस ए सी का आधा तो ए ओ हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। तो देखिए ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ बी बराबर ए सी बाई टू, अर्थात ये सारी किसके इक्वल थी, ये सारी थी आर के इक्वल, तो आर कितना हो जाएगा ए सी बाई टू, तो ए सी कितना है रूट टू ए अपॉन टू, रूट टू से ये कट जाएगा रूट टू बार, तो आर बराबर बच जाएगा ए बाई रूट टू, ये आर की वैल्यू हो गई। ओके बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू वन आवेश, इसको दे दिया मैंने Q2 आवेश, और ये हो गया Q3 आवेश, और ये हो गया Q4 आवेश। ओके, तो अपन एक एक के कारण निकाल लेंगे। A बराबर कितना है 0.9 मीटर। ओके, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 0.9 बाई रूट टू, ये आ गई R की वैल्यू। अब पहले क्या निकालेंगे, Q1 के कारण ऊपर विभव, फिर Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण। तो देखिए Q1 के कारण ऊपर विभव कितना होगा बच्चों, मैं क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि अपने पास में खूब सारा स्पेस प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे बच्चों, Q1 के कारण ऊपर विभव कितना होगा, मैंने इसको V1 मान लिया, के Q1 अपॉन OC OA, मैंने पहले बताया था एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, एक आवेश के कारण होता है, तो यह Q1 के कारण Q1 और R की जगह पर यह वाली दूरी कितनी रखेंगे OC, और OC बराबर कितना है, OA बराबर कितना है R, तो मैंने यहाँ लिख दिया V1 बराबर के क्यू वन अपॉन आर। ओके बच्चों, ये के क्यू वन अपॉन आर निकाल दिया। इसी प्रकार Q2 Q3 Q4 के कारण भी अपन क्या निकाल लेते हैं, ऊपर विभव। इसी प्रकार Q2, Q3, Q4 के कारण विभव कितना होगा, V2 बराबर के Q2 अपॉन R, V3 बराबर के Q3 अपॉन R, और V4 बराबर के Q4 अपॉन R। ओके, तो मैंने V1, V2, V3 फाइंड कर लिया है, तो ऊपर कुल विभव कितना होगा, ऊपर कुल विभव होगा V इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर, के क्यू टू अपॉन आर, के क्यू थ्री अपॉन आर, और के क्यू फोर अपॉन आर। देखो बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर, सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, के क्यू के अपॉन आर आ गया, अंदर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, देखिए सभी माइक्रो कूलम में है, सभी क्या है, माइक्रो कूलम में है, तो यहाँ पर के अपॉन आर और वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो मैं यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर देता हूँ, पहले V इक्वल टू इसका हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9, और इसका कितना हो गया R का 0.9 बाई रूट टू, यहाँ से मैंने R की वैल्यू पुट कर दी। ओके, और यहाँ पे क्या कर दिया, Q1 कितना है, माइनस 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, और ये कितना है, ये अपने पास में 3 माइक्रो कूलम, और ये कितना है, माइनस के 4 माइक्रो कूलम, और ये प्लस के 5 माइक्रो कूलम। देखिए टोटल कितना बच गया अपने पास में आवेश, इधर का मैं मिटा देता हूँ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो। ओके बच्चों, इसको चलो मिटा देते हैं, मिटा दिया अपन ने। अब देखिए अपने पास में यहाँ पर बच गया V बराबर बच गया 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 0.9 बाई रूट टू, और अंदर कितना बचा, देखो 5 और 3 8, 8 तो गए प्लस के, 4 और 2 6 हो गए माइनस के, तो कितने बचे, 2 बच गए अपने पास में प्लस के, 2 माइक्रो कूलम हो गए। देखिए 5 और 3 8, 8 माइक्रो कूलम,
माइनस चार और दो छः माइक्रोकूलम, इतना यहाँ पर आवेश अपने पास में बच गया। तो टोटल कितना हो गया, दो माइक्रोकूलम। अब इसको अपन चेंज कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा रूट टू, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 9 × √2 × 10⁻⁹। और इसको चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁶, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 2 = 18, 18 √2 × 10⁻³ हो गई 3 वोल्ट, ये आ गया केंद्र पर विभव। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, केंद्र पर विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो कहीं मिस्टेक हो गई तो, 9 × 18 √2, और यहाँ बच गया 9 और 6 और 3, 3 बच गया, सही है वोल्ट, इसके अंदर आंसर आ गया है। ओके, अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ओके हाँ बच्चों, एक मिनट के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपने क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भाग में क्या है, पॉइंट नो भी है, 0.9 भी है, तो यहाँ पे 0.9 यहाँ पे लगा देंगे अपन, और इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पावर 10 लगाएंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो वोल्ट अपना आ जाएगा 2 √2 × 10⁻⁹, 9 और 1 ये हो गई 10, 10 में से 6 गया तो 4 वोल्ट, इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कहीं पर कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोग सही कर लेंगे, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ओके थैंक यू, ज्ञात करो। हाँ तो बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन, आपके बुक में आंकिक क्वेश्चन नंबर 9 प्राप्त होगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, और एक बार मैं पढ़ देता हूँ, साथ साथ में आप भी पढ़िए। एक विद्युत द्विध्रुव मतलब दो अल्प आवेश जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो। विद्युत द्विध्रुव के आवेशों −1 μC और तथा 1 μC के मध्य की दूरी 4 × 10⁻¹⁴ मीटर है, ये क्या है, डी है, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10⁻⁶ मीटर दूरी पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, अपन अक्षीय बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, और कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसमें सबसे पहले अपने को दे रखा है सॉल्यूशन, अपन कैसे करते हैं इसका, अपने को आवेश दे रखा है, एक आवेश का परिमाण लेंगे q = 1 μC, यानी कि 1 × 10⁻⁶ कूलम, और द्विध्रुव के बीच की दूरी d कितनी है, 4 × 10⁻¹⁴ मीटर, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी आ गई। और कहाँ पर ज्ञात करना है, 2 × 10⁻⁶ मीटर पर। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, वो वाला अपन फॉर्मूला लेंगे। तो देखिए, वी नो दैट द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और V इक्वल टू होता है kp cos θ / r², ये होता है विद्युत विभव। कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन अक्ष पर पूछ रहा है, तो अक्ष पर विद्युत थीटा बराबर क्या होगा, अगर आपको नहीं पता है तो नोट्स की बुक में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और ऐसे लिया था, और ये वाला एंगल थीटा, ये वाला पॉइंट पी, और यह दूरी कितनी थी, आर। ओके, और मैंने बताया था उसमें कि जब ये बिंदु पी कहाँ पर हो, एक्स पर है, यहाँ पर है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा थीटा। थीटा देखिए बच्चों, ये मान लीजिए दुए ऐसे हैं, थीटा कोण बना रही है, और मैं इसको धीरे 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 नीचे लेके आऊँगा, तो एक्स एक्स पर चला जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो वी एक्स कितना होता है, kp cos 0 / r², क्योंकि थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो vx इक्वल टू कितना हो जाएगा,
वी एक्स इजुकल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा बराबर एक हो जाएगा जब थीटा बराबर जीरो होता है। अब अपने पास में देखिए पी है, यहाँ पर पी की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, लेकिन अपन जानते बेटा पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और पी बराबर होता है क्यू इंटू डी। तो वी एक्स बराबर अपन ज्ञात कर सकते हैं कितना, के क्यू इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर। सभी की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, के की वैल्यू होती है 10^9 निर्वात के लिए, और क्यू का मान कितना है 1 μC, 1×10^6, और डी कितना है 4×10⁻¹⁴, और आर स्क्वायर कितना है, आर है 2×10⁻¹⁶ का होल स्क्वायर। देखिए वी एक्स, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, 9×4=36, ओके। यहाँ पे देखिए 14 × 6=20 में से 9 गए तो कितने बचे, 20 में से 9 गया तो बच गया 11, तो 10^10 बच गई 11, और नीचे कितना बच गया, 2×4×10^-12, तो नीचे पावर बच गई 10^-1, और 4 से 1 घटा 4×9=36, तो वी एक्स कितना आ गया 9×, ये ऊपर चल जाएगा 10, ये हो जाएगा वोल्ट। ओके बच्चों, इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूमेरिकल वाले में। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंदु एक्स वाई पर विद्युत विभव का मान v इक्वल टू दे रखा है 6xy² - x², तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वाला है। तो देखिए संबंध क्या होता है, E बराबर होता है -∇V(I)I डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल वी अपॉन डेल डेल जेड। ये क्या होता है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, वी की वैल्यू दे रखी है अपने को, वी की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे अपन, डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि वी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, लेकिन नॉर्मल अवकलन नहीं करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, यानी कि जब एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो क्या मानेंगे, वाई को और जेड को क्या मान लेंगे, कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसका 6 कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट, 6 और y को बाहर निकाल लीजिए, x का हो जाएगा 1, यहाँ पे y कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या उतना होता है 0, और यहाँ पर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो डेल v अपॉन डेल y कितना बचा, डेल v अपॉन डेल x अपने पास में बच गया 6y - 2x, ये तो आ गई पहली बात। अब दूसरी बात निकालते हैं, डेल v अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y और ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 6xy + y² - x². अब y के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन कर रहे हैं तो x और z को क्या मान लेंगे, कॉन्स्टेंट। तो देखिए डेल v अपॉन डेल y बराबर हो जाएगा, 6 और x को बाहर ले लीजिए, y का 1 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का हो जाएगा 2y और x क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0। तो डेल v अपॉन डेल वाई बराबर हो गया 6x + 2y, ये हो गया डेल वी और डेल वाई की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिए। देखिए मैं यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल जेड को कर दिया 0, डेल वी अपॉन डेल जेड को कर दिया 0, क्योंकि बेटा ये जो अपना v है उसमें कहीं पर जेड नहीं है, ये पूरा जेड के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका आंसर आ जाएगा, आप स्वयं निकालेंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं बेटा बहुत आसान है, आप उनको इजी वे में भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, यस करो ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसको आप बिल्कुल एक चुटकियों में कर सकते हैं और इतना आसान है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये आपकी क्वेश्चन आपकी बुक का यानी कि जो न्यूमेरिकल नंबर 12 है, आवेश क्यू 2q तथा प्लस 4q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सभी के माइंड में एक बात आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कार्य तो हमारे को बताया नहीं, क्या विभव ज्ञात करके कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको एक बात बताया था कि अनंत से आवेशों को एक स्थान पर लाकर आवेश बनाने में जो कार्य किया जाता है वह उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे अपन जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वह लगाएंगे तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। और वो क्या था अपने पास में, ये मान लीजिए अपने पास में कोई आवेश है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर 2q और यहाँ पर 4q आवेश हैं, ये वाली दूरी a। मैंने कॉन्सेप्ट में इसको लिया था r12 और इसको लिया था r23 और इसको लिया था मैंने r13 ओके। और मैंने वो कार्य ज्ञात किया था क्या, k q1 q2 upon r12 k q1 q3 r13 और k q2 q3 r23। इस प्रकार से अपन ने वो कॉन्सेप्ट काम में लिया था। तो इस स्थान पे अपन लिख सकते हैं कितना, W बराबर के क्यू वन की जगह कितना कर दे बेटा Q और क्यू टू की जगह 2Q, R12 की जगह A ओके, और यहाँ पर के क्यू वन की जगह Q और यहाँ पर 4Q, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4Q, ये कितना है, इसको तो बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2 और इसको बोलेंगे Q3। तो यहाँ पर Q3 की जगह 4Q, R13 की जगह भी A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। यहाँ Q2 की जगह कितना लेंगे 2Q और यहाँ पर Q3 की जगह 4Q और यहाँ पर A ओके बच्चों। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इजीली आप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा k 2q² upon a प्लस k को कॉमन ले लेते, k को कॉमन भी ले लेते हैं चलो, और a को भी कॉमन ले लेते हैं, a को भी क्या कर दिया कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2q², यहाँ पे कितना बच जाएगा 4q² और यहाँ पे 4 × 2 = 8q² और अपने पास में बच जाएगा k/a। देखिए 8 × 4 = 12 × 2 = 14 14q² आ गया। तो W बराबर आ जाएगा k 14q² upon a। आपकी बुक में दिया होगा k की वैल्यू 1/4πε₀ और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 8 × 4 = 12 × 2 = 14 सही है 14q² upon a। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ये इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं ओके बच्चों। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप समझते भी रहिए और अपन क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बहुत ईजी होगा, बहुत आसान प्रश्न है बेटा, आप इसको ईजीली कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। तो देखिए क्या क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन अपना बहुत ही आसान है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और कई बच्चे सोच रहे हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन है कैसे करेंगे इसको, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको कोई भी कर सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं भी एक बार इसको रीडिंग कर देता हूँ। दो प्रोटॉन है जो 6 × 10⁻¹⁵ मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों प्रोटोनों की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान इलेक्ट्रोवोल्ट में ज्ञात कीजिए। और स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, दो आवेश हैं यहाँ पे, दो प्रोटोन हैं, दोनों ही प्रोटोन दोनों आवेश हैं
और उस आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और कॉन्सेप्ट देखिए इसका क्या है, मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, r दूरी पर रखे हैं, तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है K Q1 Q2 / r। ओके, Q1 बराबर क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के, Q2 कितना है r, और r कितना है 6 × 10⁻¹⁵ मीटर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻¹⁹, Q1 होता है E और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो यहाँ पे हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ Q2 की जगह भी E रखेंगे और E होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻¹⁵ मीटर। ओके बच्चों, ये तो आ गया किसमें, जूल में आ गया। अब इसको अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। ओके, एक इलेक्ट्रोवोल्ट, तो इसको अगर मान लीजिए जूल की जगह अपन क्या रखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट लिखना चाहते हैं, तो जूल बराबर कितना आ जाएगा 1/, यानी कि इसमें 1.6 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 9 × 10⁻¹⁹ × 1.6 × 10⁻¹⁹ × 1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ पर 6 × 10⁻¹⁵ अपनी जगह पर है, और यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, यानी कि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी U बराबर आ जाएगा 0.24 × 10⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि इसको सोल्व यहाँ पे किया। अब इसको अगर मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट है, और इसको मैं लिख सकता हूँ U बराबर 0.24 × इसको लिख सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके सामने रिप्रेजेंट है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हम उसको सॉल्व करके आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखो बच्चों, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे न्यूमेरिकल उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स भी उतनी ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि बेटा फिजिक्स अगर सीखना है तो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल आपको आ गए तो फिजिक्स आपको इजीली आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।